पहले मैं जब कॉलेज में था तो मैं बहुत समय निकलता था मेरा गर्लफ्रेंड के लिए, एक्स गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है। समय निकला मतलब देखो, खाली मैसेज नहीं, फ़ोन में खाली मैसेज नहीं, ठीक है, लेकिन कॉलेज के बाद भी, और कॉलेज जब होता है और कॉलेज के बाद भी मुझे मिलने के लिए आना पड़ता है। फिर वो नहीं आने से मैं खुद मेरा बाइक लेके मैं खुद जाता जाता था। आफ्टर ऑल ऑफ दिस सी एस एक्चुअली स्टार्टेड नॉट लाइकिंग मी, अंडरस्टैंडिंग हर प्राइवेट लाइफ। लिसन, द क्लोजर सी लेट्स यू गेट इन टू हर, सी इज मोर कम्फर्टेबल विद यू एंड प्लस लाइक्स इज पेइंग मोर अटेंशन। और यहाँ पे कुछ लेयर्स ऑफ स्पेस होता है। पहले तो आपको पता होगा सोशल स्पेस, उसके बाद आता है पर्सनल स्पेस, उसका भी अलग होता है, और लास्ट में इंटीमेट स्पेस, वो तो आपके लिए है। इंटीमेट स्पेस मतलब जो जो अपना क्लोज है, अपना लवर्स, ताकि इंटीमेट उसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है उसको, उनमें से आप होना, तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। नेवर लिव योर मिशन, सबका अपना अपना मिशन होता है, या गोल होता है, या फिर डिज़ायर होता है, और बहुत कुछ सारा हो सकता है। ठीक है, मेरा भी एक गोल था, ठीक है, मैं एक मिशन में था, लेकिन लाइक रिलेशनशिप बीच में आ गया था, तो मतलब क्या करेगा यार, इसके साथ मैसेज भी नहीं कर सकता और इसके साथ मिलने भी नहीं जा सकता, मैसेज तो दूर के बाद फ़ोन भी नहीं कर सकता। लड़की को भी अंडरस्टैंड होता है कि देखो, मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा मिशन में है, ठीक है, बहुत ब्राइट मिशन में है, तो उसको थोड़ा समय तो देने चाहिए ना, ठीक है, वैसा समझना चाहिए और समझा भी होगा, लेकिन मेरे को मैंने सोचा कि नहीं समझेगा, लड़के बहुत मतलब मेरा मिशन ट्यूशन दो था ना, सब कुछ छोड़ दिया। I was living the mission, okay, which I created long time back. Emotionlessly staring, खाली ऐसे करके देखते रहने से उसको डर भी लग सकता है, ऊपर से awkward भी फील हो जाएगा उसको, शर्म भी आ जाएगा, आप जैसे देख रहे हो ना उसको, लेकिन वैसा नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपने देखा। ट्रायंगल शेप में देखना है, ठीक है, ट्रायंगल शेप मतलब कभी ऊपर, कभी इधर साइड में, कभी ये टाइम में आग को हिलाना है, ठीक है, आग को हिलाना है, कभी कभी स्माइल कर देना है, ठीक है, और स्माइल करने से उसको अच्छा लगेगा, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है ना। हर लड़की का इन अप्रोप्रिएट एरियाज होता है, और वो इन अप्रोप्रिएट एरियाज में स्टेयर करके नहीं देखना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड टिल नाउ, आई डू रियली अप्रिशिएट यू, ओके। अगर ये वीडियो देख के कुछ सीखने मिला आपको, या फिर कुछ जानने को मिला ना, तो एक लाइक कर दो। चलो, बाय फॉर नाउ।